हेलो फ्रेंड्स, क्या आप महाराष्ट्र से, आपका 12th क्लास हो रखा है, आपने सीईटी का एग्जाम दे रखा है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीईटी सेल की, कुछ कॉलेजेस की इंटेक कैपेसिटी की, और बात करने वाले हैं फीस वगैरह की, यानी कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, कौन से कॉलेज में कितना इंटेक है, या आप फार्मेसी करना चाहते हैं, आप डी फार्म करना चाहते हैं, या आप बी फार्म करना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या बी टेक करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज इसी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा कुछ खास टिप जिसके थ्रू आप जो है आसानी से कॉलेज सिलेक्ट कर पाएंगे, फीस वगैरह की डिटेल देख पाएंगे, कॉलेज के अंदर में इंटेक कितना है और किस तरीके से वो कॉलेज है उसकी डिटेल को जान पाएंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, आपने जो है सीईटी सेल का एग्जामिनेशन दे रखा है, या फिर आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि 2024-25 का जो सेशन है उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए आपको हर कोर्स की डिटेल को जानना ज़रूरी है, कॉलेजेस के इंटेक को जानना ज़रूरी है, कॉलेज की फ़ीस को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज के अंदर में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉलेजेस दिए गए हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, उनका इंस्टीट्यूट कोड क्या है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से आप जो है डिप्लोमा करना चाहते हैं फार्मेसी में, तो यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद में उसकी डिटेल भी आपको नेक्स्ट जो है कुछ दिनों में मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है डिग्री। अगर आप यूजी कोर्स या पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है बीई और बीटेक कोर्स के ऊपर में। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का आपको डिटेल निकाले, तो हम बात कर लेते हैं संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की। और सर्च बटन पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऑल को हमें ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलेजेस के नाम दिखा रहा है, कॉलेज आपको यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है संत गाड़गे बाबा का अमरावती यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है GSSGM जो बुल्ढाना का कॉलेज है, उसके बाद में अमरावती रिसर्च कॉलेज के अंदर में दिया गया है, कोर्सेज के साथ साथ में कॉलेज के साथ साथ में कोर्स वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग अमरावती के इस कॉलेज के अंदर में रेगुलर कोर्स के अंदर में यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी दिया गया है कि कितने कैप से एडमिशन हुए थे और क्या उसका इंटेक दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोर्स के डिटेल को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इस URL पे जाना है। यहाँ पे देखिए ये कोर्सेज की डिटेल दी गई है, इसके बाद में यहाँ पे इंटेक दिया गया है कि किस कॉलेज का क्या इंटेक है। सिविल इंजीनियरिंग का इस कॉलेज के अंदर में 60 का इंटेक दिया गया है, और दूसरी इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इस कॉलेज के अंदर में, ये देखिए नागपुर का कॉलेज है, इसके अंदर में आपको इंटेक 180 का इंटेक यहाँ पे दिया गया है। दूसरा जो नागपुर का कॉलेज है अंबादरी में, उसके अंदर में अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60 का इंटेक है उसका, जो है 48 जो है गवर्नमेंट कोटा है और 12 सीट उनकी जो है प्राइवेट दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पे धुले का कॉलेज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटेक वगैरह की डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल को देख सकते हैं। डिप्लोमा चाहे डिग्री कोर्सेज की जानकारी जानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस URL पे जाना होता है, यहाँ पे मास्टर कोर्स या फिर डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स की डिटेल को हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग की, तो फार्मेसी कॉलेज की, फार्मेसी कॉलेज के अंदर में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हम फार्मेसी का जो है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का कोर्स देखना चाहते हैं, यानी कॉलेज देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कॉलेज मिल चुके हैं। अमरावती का ये कॉलेज है, इसके अंदर में इंटेक 60 का है, उसके बाद में यवतमाल का जो ये कॉलेज है जो पुसद के अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर में 60 का इंटेक है, 84 कैप राउंड इसके अंदर में दिया गया है। उसी तरीके से हम बात करते हैं धुले की, यवतमाल की, यवतमाल के अंदर में 100 का इंटेक है, 80 कैप से एडमिशन होते हैं और 20 सीट जो है इंस्टीट्यूट लेवल की होती है। यहाँ पे हर कोर्स की सारी डिटेल दी गई है, इस वेबसाइट पे जाकर आप जानकारी जान सकते हैं। अब रहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात, वो है कि फीस क्राइटेरिया आपको देखना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फीस की वजह से रुक जाते हैं, कॉलेज में फ़ोन करने के बाद में भी उन्हें फीस की डिटेल नहीं मिल पाती, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग सा वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी साइंस पे क्लिक करना है। आप जो है फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने फार्मेसी सेलेक्ट किया, और फार्मेसी में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए कॉलेजेस आ चुके हैं, 5 कॉलेज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है,
उसके अंदर में ये फीस की डिटेल दी गई, टोटल डिटेल हर कॉलेज की अलग अलग डिटेल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का जो कॉलेज है मारेगांव का, उसका 71,000 रुपीस फीस है। उसके बाद में दूसरा कॉलेज जो है पूसद का, उसके अंदर में 74 फीस दी गई है। तीसरा कॉलेज यवतमाल का, तीसरा कॉलेज डिग्रस का 70,000 रुपीस फीस है। यवतमाल के कॉलेज की 67 फीस है। और यहाँ पे दूसरा जो कॉलेज है जगदम्बा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कलम के अंदर अवेलेबल है, 72,000 रुपीस फीस देगी। यानी सबसे कम फीस आपको मिलती है पटेल धमाल वाधवानी कॉलेज की, जहाँ पर आपको सीट की फीस की क्राइटेरिया भी दिया गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी दी गई है, डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल सकती है। आप जो है जानना चाहते हैं कि आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBBS, BHMS, BAMS, BUMS में, या फिर जिस भी कोर्स के अंदर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने उस कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हम MD में करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ MBBS के अंदर में यवतमाल का कोर्स, तो यहाँ पे हमने कॉलेज सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे हमने गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो वहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएंगी। इस कोर्स की जो है फीस क्राइटेरिया भी एक्टिव होना बाकी है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए फीस वहाँ पे दिखा रहा है, धुले का जो कॉलेज है उसके अंदर में 8,28,000 दी गई है। उसी तरीके से लातूर का जो कॉलेज है उसकी फीस दी गई है, हर कॉलेज की फीस यहाँ पे दे दी गई है। कोर्स का नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कोर्स के नाम के साथ में उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। तो फीस आपको अगर चेक करनी है किसी भी कॉलेज की, तो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट की साइट के ऊपर में जाना है और वहाँ से जाकर आप फीस की डिटेल को जान पाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप अगर एजुकेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी भी कॉलेज की फीस की डिटेल जानना, आप चाहते हैं इनटेक कैपेसिटी जानना, या फिर आप चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म का फिल किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।